इस लेक्चर में हमने आठवां चैप्टर स्टार्ट करना है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी आ जाता है और जो सिलेबस है वो इसके सारे टॉपिक शामिल हैं। बाकी चैप्टर्स के टॉपिक्स कम हुए हैं मगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का सबसे, और इस वजह से इसका कोई भी टॉपिक एक्सक्लूड नहीं हुआ स्मार्ट सिलेबस में। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन नाम से पता लग रहा है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो, ये वाले हम 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब नोमनक्लेचर, नोमनक्लेचर से मुराद है इनको नाम कैसे दिया गया। ठीक है, पहले जो था इसमें एमसीक्यू वाइज इसको देख लेना है। एमसीक्यू वाइज क्या क्या देखना है इसमें से? एसिटिक एसिड का नेम डराइव है एसीटम, जिसका मतलब विनीगर है, और बारब्यूटेरिक एसिड का एक पर्सन के नाम जिसका नाम बारबर है, और जिनमें सिंगल मोड होता है उनके नाम के एंड पे एन आ जाता है, जैसे पेंटेन 5 वाला, हेक्सेन 6 वाला, हेप्टेन 7 वाला। जिनमें डबल बॉन्ड हो उनमें ईन आ जाता है, ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो ब्यूटाइन हेक्साइन हेप्टाइन आ जाता है। उसके अलावा प्रीफिक्स एन आइसो नियो भी यूज करते हैं, ये हमने 7 चैप्टर में इनका कुछ आइडिया लिया था। एन क्या होता है? जब स्ट्रेट चेन हो, आइसो होता है जिसमें एक ब्रांच निकली हो, नियो वो होता है जिसमें सारी ब्रांचेस निकली। ये एन ब्यूटेन है, ये आइसो है, एक ब्रांच निकली है एन एन पेंटेन में स्ट्रेट चेन है, ये आइसो एक नियो में सारी ब्रांचेस निकल आती है, 1 2 3 4 5। इनका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है इन प्रीफिक्सेस को यूज करने के, ये सवाल आ जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रीफिक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि नियो और पेंटेन के साथ तो चला है, इससे आगे नहीं चलेगा। कॉमन नेम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, और अल्कीन्स का जो नाम है उसको रिप्लेस करके एन या आइलीन के साथ कर सकते हैं। इधर तक ये डिसएडवांटेज है, ये 2 डिसएडवांटेज हैं प्रीफिक्सेस यूज करने। अब इथीन का ही दूसरा नाम है इथाइलीन, और प्रोपीन का दूसरा नाम है प्रोपाइलीन, 3 वाला है, और ये आइसोब्यूटाइलीन, 1 2 3 4, एक ब्रांच है तो 4 वाला आइसोब्यूटाइलीन। आईयूपीएसी नेम्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, हर इलाके में ना हर केमिकल का डिफरेंट नाम था, तो साइंसदानों ने इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सब केमिकल्स को आईयूपीएसी नेम्स दिए। आईयूपीएसी नेम्स सारी दुनिया में यूज होते हैं, उनका फायदा ये है वो स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर ये टेबल नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, अब आपने ना अल्केन अल्कीन अल्काइन और अल्काइल में फर्क याद रखना, ठीक है? ये अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड वाला, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, अल्काइन ट्रिपल वाला। अल्काइल क्या होता है? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें वो अल्काइल बन जाता है, जैसे ये मीथेन था CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये मिथाइल हो गया, अल्काइल हो गया। इस तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये इथाइल हो गया, ठीक है? ये आपने 10 तक याद रखने हैं। और फिर प्रोपेन, और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो ब्यूटाइल, ऐसे। फिर पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन और डीकेन। अब इनका नोमनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है, कौन सी चेन को? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है, वो पेरेंट चेन बन जाती है, और पेरेंट का नाम फिर इंग्लिश में आता है एंड के एंड ऊपर। अब ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन हो गई हेक्सेन, और 2 पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल हेक्सेन। अब इसमें 2 किस्म की चेन्स बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये नीचे वाली 3 और ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है, ये पेरेंट चेन होगी, ठीक है? अब ये ऊपर वाला ही है, उसको उन्होंने सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन बनी है, सीधे वाली नहीं बनेगी क्योंकि ये 6 है। जो पेरेंट हो जाए ना उसके अलावा जो लगा वो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम से इंग्लिश नाम शुरू करते हैं, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम करेंगे 3-मिथाइल हेप्टेन 7 वाला, ठीक है? इस तरह ये उससे ऊपर जो हमने पढ़ा है ये हो जाएगा 2-मिथाइल हेक्सेन। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो 3-मिथाइल हेप्टेन 7 वाला, पेरेंट का नेम एंड पे आता है।
फिर ये टू मिथाइल टू पे सब्सटिट्यूएंट है, बाकी फिर हेक्सेन टू मिथाइल हेक्सेन। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटिट्यूएंट लगे हों तो उनका जो सब्सटिट्यूएंट का जो नंबर होता है उसको उसकी लोकेशन के लिहाज से नंबर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये वाली नीचे वाली क्यों नहीं सिलेक्ट की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें सब्सिट्यूएंट कम थे। जब दो चेन्स बन रही हैं हम वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें सब्सिट्यूएंट ज्यादा है, तो ये 6 हो गया। अब 4 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल, दो किस्म के सब्सिट्यूएंट हैं, कौन कौन से, ये हो गया 4 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब सवाल पैदा होता है इथाइल का नाम क्यों पहले लिखा है, मिथाइल का क्यों बाद में, क्योंकि अल्फाबेटिक, जब डिफरेंट नेम्स के सब्सटिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए उसका नाम पहले आता है। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, इस वजह से। अगर दो सब्सटिट्यूएंट सेम कार्बन पे मौजूद हो तो उसको 2 बार यूज करेंगे नंबर को, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 से हेक्सेन पेरेंट चेन। अब 3 पोजीशन पे मिथाइल भी लगा हुआ है ऊपर और नीचे इथाइल भी, तो अब 3 का नाम 2 बार आएगा, 3 इथाइल। इथाइल क्यों पहले आया, क्योंकि ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, फिर 3 मिथाइल हेक्सेन इस तरह। फिर अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंट एक जैसे हो फिर हम डाई ट्राई या टेट्रा यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। जैसे अब ये है, इसमें 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये 4 वाला ब्यूटेन है और 2 3 पोजिशन पर डाई मिथाइल हो गया। फिर ये 2 3 4 पे ट्राई मिथाइल और पेरेंट चेन पेंटेन, इस तरह ये 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है उसमें 2 2 3 3 पोजीशन पे 4 मिथाइल लगे हुए। जब दो चेन इक्वल लेंथ की हो तो हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आते हैं। अब जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक ये चेन हो गई 1 2 3 4 5 6, हम ये भी सिलेक्ट कर सकते थे। ये क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कम हो जाएंगे। जब दो चेन बन रही हो तो वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बन रहे हो, तब ये हो जाएगा 3 पे इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। जब ब्रांचिंग इक्वल डिस्टेंस पे हो रही हो लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम उधर से नाम देना शुरू करते हैं जहां से लोवेस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आए। कैसे, अब देखो इधर भी 1 पोजीशन के बाद सब्स्टिट्यूएंट था, इधर से शुरू करें तब भी सब्स्टिट्यूएंट था, इधर फिर आगे वाले के साथ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जबकि इधर आगे वाले के साथ भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो फर्क के लिहाज पे प्रायोरिटी किसकी आई, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से नजदीक पड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड से नजदीक पड़ राइट साइड से नजदीक पड़ रहे हैं, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से शुरू की। इधर 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, 3 पे भी, जबकि इस तरफ से शुरू करें तो दूसरे वाले पे नहीं पड़ रहा, इसलिए अब ये हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। उस तरह हम नोमन क्लेचर ऑफ अल्किन्स देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली जैसे हम अल्किन्स में करते थे, लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट कर ली तो जो बाकी होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हेक्सीन, ठीक है। अब 3 एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्यों का, 1 2 3, 3 वाला प्रोपाइल है ये, ऊपर वाला जो ग्रुप है ये प्रोपाइल है सब्स्टिट्यूएंट, और 2 हेक्सीन, 2 क्यों का, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। और फिर चेन को नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा हो, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, 2 क्यों, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। लोकेशन और डबल बॉन्ड को प्रीफिक्स से बताएंगे, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो तो 1 ब्यूटीन, 1 पोजीशन पे हो तो 5 वाला है तो ही 1 पेंटीन। उसके बाद अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम से शुरू करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 पे ही डबल बॉन्ड है, और इधर 2 5 5, 2 पे 1 मिथाइल है, फिर 5 5, टोटल हो गए 3 ट्राई मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन क्यों, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब पेरेंट चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो वे उनको फिर इस तरह नाम देंगे, 1 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी मौजूद है, 1 3 ब्यूटा डाई इन, ब्यूटा डाई से मुराद 2, इन से मुराद डबल बॉन्ड। फिर है नॉमन क्लेचर ऑफ अल्काइंस, ऐसे ही हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, ये इथाइन 2 वाला और ये 3 वाला प्रोपाइन। फिर पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, इधर से नजदीक पड़ रहा है 1, इधर से शुद्ध नजदीक पड़ा है इधर से नंबरिंग करेंगे, ये 5 मिथाइल 1 हेक्साइन, इनके नाम के एंड पे आयन आता है यानी ट्रिपल बॉन्ड आता है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें फिर इस तरह नाम दे देंगे, इसमें 1 और 5 है, 1 5 हेक्सा
डाइन, डाइन मत, वाई एन ई एंड पे आता है यानी ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों, फिर जो बाद में नाम देना है ना वो ट्रिपल बॉन्ड को देना है, यानी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो बाद में नाम आएगा वाई एन ई, यानी ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में आएगा, डबल का पहले आएगा। अब देखो इसमें डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का बाद में नाम आना है, डबल का पहले आना है। तो थ्री पेंटीन, थ्री पर डबल बॉन्ड है, वन आयन यानी वन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह वन पेंटीन थ्री आयन थ्री में ट्रिपल बॉन्ड है। इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोएस्ट नंबर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर सेम पोजिशन पे हो तो फिर डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो इधर से नंबरिंग शुरू होगी। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजिशन पे हो तो डबल से नंबरिंग शुरू करेंगे। हो जाएगा यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया थ्री मिथाइल वन पेंटीन फोर आयन। ये नोमेनक्लेचर था, नोमेनक्लेचर में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह सवाल आएगा आपको, यह स्ट्रक्चर दिया होगा उसका नाम बताना है, या नाम बताया होगा उसका स्ट्रक्चर बताना है, तो आपके माइंड में कंसेप्ट होने चाहिए ये वाले पॉइंट्स, इनको समझ के सॉल्व करना। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है।